गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीपंकर। दीपंकर दिंडा ब्लॉग्स का और एक फ्रेश नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कल रात में मतलब कलकत्ता का घर में था, आज सुबह इवेंट है और अभी 10 बज रहा है और बिल्कुल भी देर करना सही नहीं होगा। और अभी एक ओला कैब को बुक कर लिया है, वो आने ही वाला है, 2 मिनट के अंदर आ जाएगा। अभी आ गए हैं हम लोगों का ओला, तो दोनों अभी बैठ गए हैं ओला कैब में। 15 या 20 मिनट ऐसे कुछ लगेगा पार्क होटल पहुंचते। पार्क होटल का करीब ही पहुंच गए हैं। और दादा अभी कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट। और 2 मिनट के अंदर ही पहुंच जाएंगे हम लोग जहां इवेंट होने वाला है पार्क होटल में। और अभी आ गए हैं पार्क होटल के सामने। पहुंच गए हैं जहां इवेंट होने वाला है। एक्चुअल इवेंट रूम का अंदर होने वाला है और ये रिसेप्शन है। रजिस्ट्रेशन के काम वगैरह चल रहा है यहां। हम दोनों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। 2 बैग हम लोगों को मिला और ये आइडेंटिटी कार्ड। जो बैग मिला यही बैग MFIWB। The Department of Revenue Intelligence, Ministry of Finance, Government of India, Kolkata, put your hands together and let's welcome him on the podium for his Therefore, data, skill sets, and any provider. Tea break का time हो गया है, coffee. थोड़ा सा coffee पी लेते हैं। Which are in and around, a lot of support from a lot of people who are not part of this but who believe in the future of microfinance, who believe in this. So yes, we have a bunch of concerns. चाहिए वेज नॉन वेज, आपको जो पसंद आए, जो ठीक लगे उसी हिसाब से आप खा सकते हैं। लंच चल रहा है और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। चिकन पीस एक एक करके ले लिया है, जो मिला बहुत भीड़ है, जो मिला वही सब ले लिया है। लंच खत्म होने के बाद अभी थोड़ा मीठा भी खा लेते हैं। मतलब थोड़ा सा आइसक्रीम और 2 मिठाई। कंप्लीट हो चुका है। ये जो इवेंट चल रहा है ये सेकेंड हाफ, मतलब 4:30-5 बजे तक इवेंट चलेगा। लेकिन हम लोगों को आज ही कागदीप लौटना है, मतलब यहाँ से 110 किलोमीटर, तो और ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, और आधा घंटा या 1 घंटा यहाँ रुकेंगे, उसके बाद घर जो जाना है। और अभी निकल रहे हैं बाहर।
रिसेप्शन है, यहाँ बैठने की थोड़ी सी जगह है। ये गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, मतलब करीब जाने से खुल जाता है। चलिए अभी बाहर जाते हैं, यहाँ का इवेंट बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम स्पेंड किया 10 बजे से मतलब 3:30 बजे तक। और यही एग्जिट वे है, अभी आगे है बाहर। पहले कलकत्ता का घर में जाना है, वहाँ से लगेज वगैरह सामान जो है वो सारे चीज़ ले लेना है और सीधा जाएंगे कागजी घर। और कलकत्ता का ये योलो टैक्सी ले लिया है, इसमें ही कलकत्ता का घर तक जाएंगे। और यही रहा पार्क होटल। अभी कलकत्ता का घर में है और जो सामान वगैरह लेना था सब कुछ ले लिया, तो देर मत करेंगे। 4:30 तो 3-3.5 घंटा से ज्यादा 4 घंटा लगेगा कागजी पहुंचते पहुंचते। और अभी चढ़ गए हैं गाड़ी में, वरुंदा भी आ गए हैं कागदीप से सुबह से हम लोगों को लेने के लिए। और अभी कुछ करना नहीं, सिर्फ 4 घंटा चुपचाप बैठे रहना है और उसके बाद सीधा पहुंच जाएंगे कागदीप घर। तो जाते जाते रास्ते में भी अच्छा कुछ देखने को मिला तो आप लोगों को दिखाएंगे जरूर। एस्प्लेनेड धर्मतल्ला पहुंच गए हैं, यहाँ से बस मिल जाता है कागदीप नामखाना के लिए। और अगर ट्रेन से जाना है तो यहाँ से सियाला जाना पड़ेगा, वहाँ से साउथ के लिए हम लोगों को ट्रेन मिल जाता है। सामने ये है मोनूमेंट, अंदर भी कितना बड़ा मैदान, काफी बड़ा मैदान देखिए, बहुत सारा लोग खेलने के लिए आते हैं यहाँ। हॉर्स रेसिंग होता है, ये भी काफी बड़ा एरिया है।